एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन देने के पीछे क्या वजह बताई है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र गुनावत। चौबीस घंटे बीजेपी तरफ से कोई आश्वासन कुछ कोई कम्युनिकेशन हुआ है? नहीं नहीं, कम्युनिकेशन का सवाल ही नहीं उठता। कल दोपहर 2 बजे तक सब चुनाव के नतीजे भी अपने पास नहीं आए थे, उससे पहले ही हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल साहब जी ने स्टेटमेंट किया और बाद में वो इश्यू हमारे तरफ से खत्म हो गया। जवाब नहीं आया, जवाब का सवाल ही नहीं उठता ना। हमने बाहर से सपोर्ट दिया है, पवार साहब ने आज भी बताते क्या बताया उन्होंने, हमारी जो विचारधारा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हम रहने वाले थे। सवाल की तरह सर इस बार का भी एक साथ ही करप्शन के केस में तो फाइल ओपन हो रही है, तो ये मजबूरी थी कि हमें सपोर्ट करना ही है? ये बार बार आप बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, मेरा तो ये कहना है एक दफा ये सब सामने आने दो। आखिर जिसका गवर्नमेंट रहता है उस गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन ले सकता है वो उनको अधिकार है, तो उसके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं। हमें भी यही कहना है कि 5-6 साल मैं सुन रहा हूँ कि ऐसा करप्शन करप्शन करप्शन, कहाँ कहाँ किसने देखा करप्शन, कौन सी फाइल किसने देखी, एसआईटी भी ने उसमें से तय किया था, एसआईटी ने भी पूरा रिपोर्ट लोगों के सामने रखा, वेबसाइट पर रखा, यह सब आपके सामने है ना। हमेशा कितने साल यही एक ही कि करप्शन करप्शन, कहाँ करप्शन हुआ? इन साहब का नाम इरिगेशन स्कैम में था शायद, अगर हम गलत नहीं है तो। और क्या उसी की वजह से इतनी जल्दी एनसीपी ने कहा कि भाई